अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि ईद आने वाली है और मैं आप लोगों के लिए नित नए डिज़ाइन लेकर बेबी गर्ल फ्रॉक के, तो आपको मैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। और आज हम जिस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे वो ये वाली फ्रॉक है, और ये एक साइड बटन पट्टी फ्रॉक है। ये मैंने एथनिक की शर्ट का डिज़ाइन देखा था, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ये बेबी गर्ल टीनेज गर्ल के टॉप पे ये बनाती हूँ। वो शर्ट थी और नीचे से जो था वो उसका दामन जो था वो मतलब गोल कटिंग की हुई थी, लेकिन ये वाला टॉप है और इसमें चुन्नट दी गई है, बाकी सारा जो है वही डिज़ाइन है। ये एथनिक की शर्ट का डिज़ाइन था और इसमें ये देखें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये साइड में बटन पट्टी इसकी तैयार की गई है, जहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वहाँ पर दोनों साइड पे ये वाला ही है। ऐसे ही इसको बटन पट्टी के साथ तैयार किया गया है। और दरमियान में जो है ये मेरे पास एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच था जिसको मैंने इसकी नेक पे एडजस्ट किया है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। तो चलें अब हम इसकी कटिंग सीखते हैं। चलें इसकी अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 48। हमने इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो हमने ए लाइन कटिंग है 24 लेनी है, और 4 इंच जो है वो ज़्यादा रखना है। साइड में पट्टी जो है फोल्ड होके एक दूसरे के ऊपर आएगी। और ये टीन एज गर्ल का ये फ्रॉक है और उनको ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। तो सबसे पहले ये हमने इसकी ली है बैक, और बैक की मैंने चौड़ाई जो है वो 24 इंच तैयार होगी, 4 इंच जो है वो साइड बटन पट्टी के लिए रखी है। और फिर हम इसकी फ्रंट जो है फ्रंट की लेंथ बैक और फ्रंट की लेंथ जो है वो सेम है 25 इंच, और बैक की जो विड्थ है वो 28 है। और जो फ्रंट पार्ट है इसकी जो लेंथ है वो 35 है, और जो विड्थ है इसकी वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें साइड दरमियान में जो है वो डिज़ाइन होगा और साइड में जो है वो बटन पट्टी ही लगेगी। और इस तरह ये हमने दोनों पल्ले जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसके बाद एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो लेंथ है फ्रंट और बैक की वो 25 ही हमारी तैयार होगी। और जो हमने बैक को सबसे पहले बैक को रेडी करना है, बैक की हमारी जो है लेंथ वो 35 है और जो विड्थ है वो तैयार हमारी 24 होगी, लेकिन मैंने इसकी जो विड्थ है वो 28 रखी है, 4 इंच ज़्यादा रखी है, जो कि हमारा बैक पार्ट के लिए मतलब जो हमारी पट्टी एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो सबसे पहले जो है हम इसका शोल्डर कटिंग करते हैं। शोल्डर जो है वो 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। चलें इसका 7.5 पे ये देखें, ये इसका शोल्डर जो है वो 7.5 और इधर भी 7.5 पे निशान लगा के इसको हम गुलाई देंगे। गुलाई दे के तो इधर इसका जो है वो हम ये 10 हमारा तैयार होगा, और 2 इंच जो हमने ज़्यादा रखी है ये पट्टी बनेगी फोल्डिंग के लिए, जो एक दूसरे के ऊपर आएगी जिसके ऊपर हम बटन अटैच करेंगे। अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम जो है वो इसको कर सकते हैं, इसको लैदा भी पट्टी लगा सकते हैं। चले अब हम इसके शोल्डर की कटिंग करते हैं। सबसे पहले ये हमारा तैयार है लेंथ इसकी, इतना हमारा तैयार होगा। ये 2 इंच हमने ज़्यादा ली है और इसको हम ए लाइन शेप दे देंगे यहाँ से।
इस तरह के फ्रॉक पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इनको करते हैं कटिंग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं इस चीज़ को, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और हमारा काम जो है वो इंतहाई नीटली हो जाता है। इसके बाद इसका हम शोल्डर भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा शोल्डर कटिंग हो गया और ये इतनी होगा इसका शोल्डर, ये बाकी जो है वो बटन पट्टी है जो एक दूसरे के ऊपर आएगी इस तरह तैयार होके। और अब जो दरमियान में नेक की डिज़ाइनिंग के लिए है वो हमने इधर सामने करती हूँ कपड़ा शायद आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए, तो उसके लिए हमने लेना है ये शोर, पहले हमने नेक का निशान लगाना है 3 इंच हम नेक इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। ये हमारी बैक बैक पार्ट जो है हमने ऊपर रखा हुआ है ये वाली, यहाँ से 3 इंच और नीचे से हम करेंगे 1 इंच। ये हमारी जो है वो बैक की नेक है और नेक के और शोल्डर के दरमियान में हम एक निशान लगाएंगे ये सॉरी नेक जहाँ से नेक कटिंग होगी और जहाँ से हम यहाँ पर हमारा शोल्डर होगा उसके दरमियान में हमने निशान लगाना है। और ये हमारा निशान जो है लगा लिए हमने ये वाला निशान, और ये वाला हम फिर यहाँ से इसको करेंगे तो ये हमारा 5.5 यानी 5.5 पे ये हमारा निशान आ रहा है, ठीक है। और जो हम नेक रेडी करेंगे उसके लिए भी एक पट्टी जो है वो हमें लेनी है। ये मैंने पट्टी ली है इसकी जो हमारी जो नेक का निशान था वो 5.5 यानी 5.5 पे आ रहा था, और जो मैंने ये पट्टी ली है ये 6 पे पूरी 6 इंच ली है इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच ली है 6 इंच, और जो इसकी लेंथ है वो हमने 13 इंच लेनी है इसकी लेंथ जो है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है कपड़ा काट देते हैं हम। हमने इसका जो ये काट दी है इसकी जो ज़्यादा था, और इसके बाद हम इस पल्ले को उठा देंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे अपने इस पार्ट की। चले आपको नजर आ रहा होगा तो ये वाला जो हमारा निशान लगा हुआ था इधर हमने यहाँ तक ये वाला हमारा निशान है हमने यहाँ तक जो है वो नेक की मतलब दरमियान में से करनी है डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले हमने ये ली है पट्टी इसकी 6 इंच जो है हाफ लेंथ है विड्थ है और लेंथ जो है वो 13 इंच है 13 इंच। तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे से इसको 1 इंच जो है वो कम करेंगे, क्योंकि डिज़ाइनिंग में जब इस तरह की नेक लगाई जाती है तो वो अगर थोड़ी सी ऊपर के मुकाबले में टेढ़ी हो मतलब ये शेप सी बनी हो तो भी ज़्यादा
अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम इसको यानी इस तरह काम करेंगे, नीचे से ना क्रॉस का निशान लगा के, तो ऐसे इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, और अब हम जो है इसकी कटिंग करते हैं डिजाइनिंग के लिए। तो पहले ऊपर बढ़ाकर रखेंगे ताकि जो हमने नीचे सिलाई लगानी है, सिलाई का मार्जिन जो है वो रह जाए लेंथ में। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाकर लिया है, तो चलें अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो है ये पार्ट इसके ऊपर डिजाइनिंग करके, तो अब हम इसको इसके मतलब नेक के अंदर लगाएंगे। ये देखें, ये जब हम इसके अंदर फिट करेंगे तो ये सिलाइयों का मार्जिन है, तो ये पूरा ही आएगा। ये वाली चीज नीचे आनी है, वो वाली ऊपर आनी है। ये देखें, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट नेक तैयार होगी। इसके ऊपर हम चाहे कोई लेस वगैरह लगाएं या जो भी है, इसके ऊपर हम डिजाइनिंग करेंगे। तो चले अब हम ना फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, और स्टिच आपको दिखाते हैं ये हमारी किस तरह स्टिच हो गई। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, और ये यंग 18 मतलब टीन एज गर्ल को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो ये ऐसे लग रहा है, लेकिन जब हम इसको रेडी करेंगे तभी इसकी असली लुक मतलब सारी जो है वो सामने आएगी। ये ऐसे ये चुनट आएगी इसके आगे, और साइड में इसकी पट्टियाँ होंगी, और बैक साइड जो है इसकी वो सेम मतलब है, वो सिंपल है, ए लाइन है, और जो डिजाइनिंग है वो सिर्फ फ्रंट पे है। तो और इस तरह के फ्रॉक जो है वो टीनेज गर्ल को पहनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये इसके दरमियान हम तैयार करके तो ये वाला नेक लगाएंगे। चलें अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलें अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बैक नेक वो मैंने काटी थी, 1 इंच गहराई थी और 3 इंच जो है इसकी चौड़ाई थी। तो ये मैंने इसके पीछे लूप्स वाले बटन लगाए हैं ताकि उतारने में और पहनने में आसानी हो। और ये वाली मैंने नेक मुकम्मल तैयार करके तो बैक पार्ट की रख ली है पास। और ये वाला जो था दरमियान में जिस जहाँ से हमने कपड़ा निकाला था, इसमें मैंने चुनट दे के तो उस जो हमने दरमियान में से पीस निकाला था वो आपको माप करके तो बताया था कि 5.5 इंच था, तो मैंने ये चुनट उतनी ही दे ली है। और अब मेरे पास जो दरमियान वाला हमने पीस 13 इंच का तैयार किया था, उसके ऊपर मेरे पास घर में एक पैच पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके ऊपर लगा के तो नेक जो है इसकी मैंने नेक भी रेडी कर ली है। ये 3 इंच गहराई से मैं निकाली थी, और ये भी मैंने नेक जो रेडी कर ली है। अब हम इसको इसके अंदर अटैच करते हैं। सबसे पहले जो है ये काट के निशान लगे हुए हैं, इसके ऊपर जो है हम ये वाली नेक रखेंगे, इस तरह हमें अटैच करने में आसानी होगी। साइडों में काट लगाए थे तो काट में जाके तो इसको हमने एडजस्ट कर लेना है। ये इंतहाई आसान तरीके से ही एडजस्ट हो जाता है।
अभी यहाँ पे हमने काट लगाया हुआ था, काट इधर करके तो हम इसको ऐसे ही इधर फोल्ड कर लेंगे। ये एक साइड से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है और अब दूसरी साइड से इसको एडजस्ट करते हैं। ये हम जो है वो इसके अंदर एडजस्ट कर चुके हैं, अब इसकी बटन पट्टी जो है वो भी हम रेडी करते हैं। ये दरमियान वाला जो पैच हमने मैंने लगाया था इसकी पेटी, तो इसको आप लेस की मदद से तैयार कर सकते हैं, पैच की मदद से तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो नेक है वो कोई एम्ब्रॉयडरी वाला पैच है, कोई भी चीज़ है तो वो आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। तो चले अब हम इसकी पट्टियाँ जो बाहर वाली पट्टियाँ हैं वो रेडी करते हैं। सबसे पहले ये इधर एक मैंने काट नहीं लगाए थे, मैं लगाती तो आपको बताती हूँ कि हम अब हम इसकी पट्टियाँ फोल्ड करते हैं। तो ये वाला दो दो इंच का मैंने कपड़ा जो था वो छोड़ा था पट्टियाँ फोल्ड करने के लिए, और ये मैं पट्टी जो है साइड के दो दो इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था वो मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड इस तरह हमने चारों साइड से जो है वो पट्टियाँ फोल्ड करके, तो ये इसके ऊपर इसका आकर डिज़ाइन बनना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये वाला ये देखें, ये वाली जो मैंने दो दो इंच छोड़ी हुई थी साइड पे वो मैंने एक तरफ से फोल्ड कर ली है एक शोल्डर की तरफ से। तो फिर हम अब दूसरी साइड से भी इसको चारों मतलब आगे पीछे के चार पल्ले मतलब दो पल्ले हैं दोनों के दोनों साइड पे ना जो हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है वो दोनों साइड से फोल्ड होगा। तो करके तो चलिए मैं आपको फिर ये दिखाती हूँ। तो हमने ये फोल्डिंग कर ली है, जो साइड में पट्टियाँ थी वो चार इंच का हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था। तो अब हम इसको जो फ्रंट है इसको ऊपर रखेंगे, पैर को नीचे रखेंगे और इन पट्टियों को हम नीचे और ऊपर जो है वो हम कर देंगे स्टिच कर देंगे। इसी तरह हमने दोनों साइड की पट्टियाँ जो हैं हमने उनको स्टिच कर देना है, और नीचे जो है वो हम थोड़ा सा
आठ इंच या पाँच इंच या जितना भी आपको मुनासिब लगे तो हम वो छोड़ेंगे। मैं इसके नीचे आठ इंच का यानी इसके नीचे गाज ओपन रखूँगी, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको तो कितना मतलब ओपन रखना है। मैं इस फ्रॉक में आठ इंच जो है वो ओपन रख रही हूँ नीचे काज। ये इस तरह हम इसके ऊपर फिट कर लेंगे और इसी तरह जो दूसरी साइड है वो भी हम फिट करके, तो फिर हम इसके ऊपर नेक जोड़ेंगे। इसके बाद इसके स्लीव्स लगाते हैं। पहले हम ये वाली जो ये जोड़ रहे हैं इसकी, और ये इतना तकरीबन आठ इंच बनता है, तो मैं ये वाला छोड़ रही हूँ। आप अपने हिसाब से इतना आपको छोड़ना चाहें तो आप इतना छोड़ सकते हैं। मैंने ये इतना काज ओपन रखा है, ये तकरीबन सात और ये आठ इंच है। हमारा फ्रॉक जो है वो सिलकर रेडी हो चुका है। ये उसकी फाइनल लुक है। मैंने नेक पे जो था वो मेरे पास एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच था, वो मैंने इसके ऊपर एडजस्ट किया है। आप लोग इसके ऊपर प्रिंटेक्स डाल सकते हैं, और भी अगर आपके पास कोई एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक बचा हुआ है तो वो भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह कोई आपके पास लेस वगैरह है, पैच है, तो वो भी आप नेक के ऊपर मतलब लगा सकते हैं। तो ये वाला इसका जो ये साइड बटन पट्टी वाला डिज़ाइन है, और ये बेहद ही प्यारा लगता है। कैमरे में शायद इतना अच्छा ना भी आ रहा हो, लेकिन ये पहना हुआ और कैरी किया हुआ टीनेज गर्ल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये शर्ट बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा जो मैंने इसकी साइड में मतलब ये इसके स्लीव्स हैं बिल्कुल सिंपल, और इसको मैंने ये टिच बटन के साथ इसको एडजस्ट किया है, क्योंकि फिर घर में पहनने के लिए बाजू अगर हमारे बहुत ज़्यादा नैरो हों, तंग हों, तो ऊपर नीचे करने में, वजू वगैरह करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो मैंने इनको आगे से खुला रखा है और टिच बटन के साथ इसको एडजस्ट किया है, और बैक में जो नेक इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रखी, और बैक में मैंने ये वाली इस तरह स्लिट ओपन की है और इसमें भी बटन अटैच किए हैं। और बाकी सारी आपको दिखा दी है। ये हमारी जो शर्ट की फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।